बार्नयार्ड मिलेट्स, जिन्हें हिंदी में सामवंत या समा के राइस के नाम से भी जाना जाता है, ये वही राइस हैं जिन्हें खाना हमारे रिलीजियस फास्टिंग्स में भी अलाउड है। बट द ओनली डिफरेंस इज दे आर अनपॉलिश्ड। इनमें डाइट्री फाइबर का कंटेंट बहुत हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 10%, और कार्ब्स टू फाइबर की रेशियो बहुत कम है, 6.55। इतना ज़्यादा डाइट्री फाइबर होने की वजह से ये इजीली बट स्लोली डाइजेस्टिबल हैं, जिस वजह से इन्हें लो जीआई फूड्स में भी शामिल किया गया है। ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं विदाउट एनी फिजिकल लेबर। इनमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर है। नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू योशिताज किचन। मैं हूं निधि। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर समथिंग हेल्दी आउट ऑफ दीज विच इज़ लव्ड बाय आवर किड्स टू। सो लेट्स प्रिपेयर कुकीज आउट ऑफ दीज मिलेट्स। अप्रॉक्सीमेटली 2 inches डाया के 16 कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए बार्नयार्ड मिलेट का आटा 1 cup प्लस 6 tablespoons। इस आटे को हम धीमी आंच पे 4 से 5 minutes के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, या तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। जब हमारा आटा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसे एक अलग प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में 6 tablespoons गुड़ की शक्कर, 6 tablespoons आइसिंग शुगर और 1/2 cup देसी घी लेंगे और इन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंड विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से 5 to 7 minutes के लिए बीट करेंगे। इस मिक्सचर में बीच में हमें 1 teaspoon वनीला एसेंस भी डाल देना है और इसे अच्छे से बीट करना है। देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से बीट हो चुका है। बीट होने के बाद ये फ्लफ़ी और कलर में थोड़ा लाइट हो जाता है। ये हमारे कुकीज़ का वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम हमारे कुकीज़ का ड्राई मिक्सचर रेडी करेंगे। ड्राई मिक्सचर के लिए हम अपने भुने हुए बार्नयार्ड मिलेट फ्लार में 2 tablespoons कोको पाउडर, हाथ से अच्छे से लेवल किया हुआ 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1 pinch सॉल्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तैयार किए हुए ड्राई मिक्सचर को हम अपने वेट मिक्सचर में हल्के हाथ से मिला लेंगे। हमारी कुकीज़ के डो में हम अपने मनचाहे नट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने काजू लिए हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है। कुकी डो को अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अब अपने रेडी कुकी डो को हम क्लिंग फॉयल से रैप करके या फिर एक एयरटाइट कंटेनर में ढक्कन लगा के रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में रेस्ट करने के बाद हमारा कुकी डो फर्म अप हो जाएगा और हम अपने कुकीज़ को अच्छे से शेप दे पाएंगे। सो लेट्स प्रिपेयर आर कुकीज़ नाउ। कुकीज़ सेम शेप के बनाने के लिए हम 1 tablespoon की हेल्प से कुकी डो को मेजर करेंगे और अपने कुकीज़ को राउंड शेप देकर एक ग्रीस्ड बेकिंग डिश के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो इस तरह से हैंड विस्क की हेल्प से कुकीज़ के टॉप पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे कुकीज़ को शेप करके अपने ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देंगे। अब हम एक फोक की हेल्प से इस तरह से कुकीज़ की टॉप पे क्रिस क्रॉस पैटर्न बना लेंगे। अब हम अपनी कुकीज़ के टॉप पे सबके फेवरेट चोको चिप्स लगा देंगे।
चलिए अब हम अपने कुकीज़ को बेक कर लेते हैं। पहले 10 मिनट के लिए हम इन्हें लो टेम्परेचर पे बेक करेंगे, विच इज़ 160 डिग्री, और फिर 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे इन्हें बेक करेंगे। बेक होने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इन्हें अपने बेकिंग ट्रे से रिमूव कर लेंगे। सी, आर कुकीज़ आर रेडी। अब इन तैयार कुकीज़ को ठंडा होने के लिए वायर रैक पे रख देंगे। सी, हमारी क्रिस्पी, डिलीशियस और हेल्दी बार्नयार्ड मिलेट की कुकीज़ बनके रेडी हैं। आई होप आप ये डिश ट्राई करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी डिश के पिक्चर योशिताज़ किचन पे ज़रूर ज़रूर शेयर करेंगे। इस डिश की डिटेल्ड रेसिपी के लिए आप yoshitaskitchen.wordpress.com पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।